हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, इस समय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, वही अस्पताल जहां ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर अंतिम सांस ली है। जितेंद्र बताएंगे हमें, जितेंद्र पार्थिव शरीर अभी भी अस्पताल में ही है, क्या तैयारी की जा रही है, कुछ जानकारी मिल रही है घर लेकर जाया जाएगा या सीधे क्रिमेशन के लिए? जी हाँ रोमाना, इस वक्त उनका पार्थिव शरीर जो है अस्पताल में ही मौजूद है और पेपर वर्क चल रहा है, कागजी कार्रवाई चल रही है उनके पार्थिव देह को उनके परिवार को सौंपने के लिए। और अब आगे का प्लान बनाया जा रहा है कि उन्हें घर ले जाया जाए या फिर सीधे अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि ले जाया जाए। क्योंकि मैं जरा सा आपको रोकूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मेरे साथ इस समय एक फिल्म आई 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट, उसके निर्देशक उमेश शुक्ला मौजूद है। दरअसल इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर ने अभिनय किया था और उसी फिल्म के निर्देशक हैं उमेश शुक्ला जी। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? क्या कहें, इसमें कहना क्या है, मतलब बहुत ही दुखद समाचार है ये हमारे लिए, बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। बहुत ही उम्दा इंसान थे वो, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही प्रामाणिक कलाकार भी थे वो, मतलब नो वर्ड्स राइट नाउ एक्चुअली। मैं समझ पा रही हूँ, हम समझ पा रहे हैं इस समय कितना मुश्किल होगा आपके लिए कुछ भी कह पाना। बस मैं जानना चाह रही थी कि किस तरीके के आपके अनुभव रहे, आपने फिल्म 102 नॉट आउट उसमें डायरेक्ट किया ऋषि कपूर को, कैसा अनुभव था वो? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हमारा। और उन्होंने, आई मीन क्या कहूँ मैं आपको, अभी इस वक्त वो बहुत ही, मतलब क्या, सहज कलाकार थे, बहुत ही स्पॉन्टेनियस कलाकार थे वो। सेट पे आते ही माहौल जो है वो बहुत ही, मतलब हमारा बहुत ही अच्छा कर देते थे। और ही वॉज अ ग्रेट गाइस, राइट नाउ आई डोंट हैव वर्ड्स, हम लोग फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बेहद भावुक हो रहे हैं उमेश शुक्ला जी। देखिए, शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की थी ऋषि कपूर ने, उसके बाद रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई ऋषि कपूर ने। और न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि रोमांटिक हीरो होना कैसा चाहिए उसको डिफाइन किया, उसे परिभाषित किया ऋषि कपूर ने। और फिर अपने करियर के बाद के पड़ाव में ऋषि कपूर ने जो कैरेक्टर रोल्स प्ले किए उसमें भी अपने अभिनय के जरिए जबरदस्त छाप उन्होंने छोड़ी। उन्हीं में से एक ये फिल्म 102 नॉट आउट, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर नजर आए। अच्छा, दोनों ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म भी है और कई फिल्में ऐसी जिसमें दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया। इसके बाद 102 नॉट आउट आई, जिसमें एक बार फिर से दोनों की जुगलबंदी देखने के लिए मिली। और आज भी सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया पर अगर किसी ने खबर शेयर की, ये दुखद खबर ऋषि कपूर के निधन की, तो वो अमिताभ बच्चन ही थे। अमिताभ बच्चन ने ही सबसे पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, ये मुंबई का वो अस्पताल जहां निधन हुआ है ऋषि कपूर का, पार्थिव शरीर उनका अभी अस्पताल में ही है। और बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, जरा जानते हैं जितेंद्र से, जितेंद्र कोई पहुंचा तो है अभी गाड़ी में, कपूर परिवार से ही संबंधित हैं ये? ऐसा लग रहा है कि कपूर परिवार से ही संबंधित होंगे, क्योंकि पुलिस जो है बहुत ही लिमिटेड लोगों को जो है यहाँ पर आने दे रही है। अस्पताल के बाहर की ये जो पूरी सड़क है इसको ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जैसा कि कपूर खानदान की तरफ से भी बयान आया है कि जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, उसका पालन किया जाए और उनका अंतिम संस्कार भी जो है तमाम कानून और नियम को मानते हुए किया जाएगा। तो इस वक्त आप यहां पर देखेंगे कि किसी को भी, कई सारे उनके फैंस जुटने की कोशिश कर रहे थे जब उनके निधन की खबर आई थी शुरुआत में, तो उन सबको यहां से पुलिस ने हटा दिया है। और आप देखेंगे इस पूरे सड़क को, इस अस्पताल के चारों तरफ की जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और इस वक्त अस्पताल के अगर अंदर की मैं बात बताऊं तो इस वक्त पेपर वर्क चल रहा है, कागजी कार्रवाई चल रही है उनके पार्थिव देह को परिवार को सुपुर्द करने के लिए। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ वक्त में ही, अगले कुछ मिनटों में
हो सकता है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया जाए और उसके बाद यहां से अभी ये तय नहीं है, हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को क्या घर पर लेकर जाया जाएगा या फिर सीधे मशान भूमि लेकर जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। रुमाना जी आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए जितेंद्र दीक्षित भी जो बात बता रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है, परिवार ने भी यही कहा है कि देखिए आप बिल्कुल भीड़ ना जमाएं, और ऐसे में देखिए क्योंकि लॉकडाउन है, एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि हम समझ सकते हैं, सबको दुख है अपने प्रिय अभिनेता के चले जाने का। श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं, आप एबीपी न्यूज के माध्यम से श्रद्धांजलि दीजिए, हमें आप सोशल मीडिया पर टैग कीजिए, लेकिन भीड़ ना जमाएं। अगर आप मुंबई और इस अस्पताल के आसपास हैं तो प्लीज अपने घरों में रहें, बाहर घर के ना निकलें, सड़क पर ना आएं। श्रद्धांजलि आप एबीपी न्यूज के माध्यम से ऋषि कपूर को भेज सकते हैं, परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जता सकते हैं।